आज हम लोग कार्डबोर्ड से बहुत ही इजी होम डेकोर बनाएंगे। उसके लिए मैंने कार्डबोर्ड और पिंक कलर के दो चार्ट पेपर लिया है। उसको लीफ शेप में ड्रॉ करके उसको कटिंग कर लेंगे। 3 से 4 राउंड उसको लगाना है, इसलिए छोटे छोटे लीफ में कट ड्रॉ करके कट कर ली। ये पूरा इकट्ठा कर लिया है। अब इसको कार्डबोर्ड को अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग इसको एक शेप दी हूँ और उसको फेविकोल लगाकर उस सारे लीफ को एक एक करके थोड़ा सा गैपिंग डाल के उसको पेस्ट करते चले जाएंगे। देखिए मैंने भी ऐसे ही पेस्ट कर रखा है। उसके बाद जो गैपिंग दिख रहा है उसमें फिर से फेविकोल लगाएंगे और उसी तरीका से फिर से उस गैपिंग में एक एक लीफ चिपकाते चले जाएंगे। वैसे ही नेक्स्ट वाले में भी वैसे ही चिपकाएंगे। मैं थोड़ा बड़ा सा कार्डबोर्ड ली हूँ, इसलिए इसको 6 राउंड में इसको पेस्ट किया। और बीच वाले जो स्पेस दिख रहा है उसके लिए मैं ब्लैक चार्ट पेपर ली हूँ, उसको 4 भाग में फोल्ड कर लिया है और उसको फोल्ड करके कटिंग कर ली हूँ। कटिंग करने के लिए पतला पतला स्लाइड ऐसे देखिए कट कर लेना है और उसके बाद इसको स्टिक बनाना है। स्टिक बना लेने के बाद इसको एक के ऊपर राउंड शेप में पेस्ट करते हुए कंप्लीट करेंगे। फेविकॉल की सहायता से इसको एक दूसरे पे पेस्ट करिए, ऐसे राउंड करके एक दूसरे पे पेस्ट करते हुए बड़ा सा बना लेंगे। उसके बाद इसको बीच वाले शेप में इसको पेस्ट कर देंगे। सारे स्टिक को एक दूसरे पर ओवरलैप करते हुए पेस्ट कर देंगे और वो मेरा जो मोन है उसमें मैं उसको चिपका दी। तब तक वो सूख रहा है, तब तक इधर मैं थोड़ा सा एक चार्ट पेपर के कटिंग पे इसको बटरफ्लाई शेप में बहुत सारे बटरफ्लाई ड्रॉ कर ले रही हूँ और उसको कट कर लूँगी। जब मेरा सारा बटरफ्लाई कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं इसको शेप देखती हूँ कि कौन सा शेप में अच्छा लगेगा, वैसे पेस्ट करूँगी। ये हमारा सारा बटरफ्लाई कंप्लीट हो गया है। ये
कुछ इस तरीका से मैंने रख के देखा कि कैसा दे लग रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो वैसे ही करके मैं वॉल पे इसको पेस्ट की हूँ। ये कलर बहुत ही सुंदर और एट्रेक्टिव दिख रहा है। यदि आपको ये डेकोवर अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।